तो गैस कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों ये है मेरे पास रियलमी एक्स टू और इसके अंदर रिसेंटली एक नया अपडेट मिला है जो कि C.11 है। और आप देख रहे हैं इसका जो इन द बॉक्स चार्जर आया है 30 वोल्ट का वो चार्जर। और यहाँ पर अभी हम इसका जो चार्जिंग टेस्ट करने जा रहे हैं क्योंकि जब से नया अपडेट आया है हमने चार्जिंग टेस्ट नहीं किया है। लगभग 2-3 अपडेट से हमने चार्जिंग टेस्ट नहीं किया है। और मुझे इस अपडेट के बाद पर्सनली ऐसा फील हो रहा है कि ये जो अपडेट है इससे काफ़ी ज़्यादा जो बैटरी की चार्जिंग स्पीड है वो काफ़ी हद तक सही हुई है, मतलब स्टेबल हुई है। अभी हम चेक करके बता देते हैं क्योंकि मुझे खुद यकीन करना था कि मैं कितना सही हूँ, इसलिए मैंने वीडियो बनाई है। क्योंकि मुझे भी जानना था, वीडियो बनाते समय मुझे खुद भी पता चला है, तो मैं इसलिए आपको इसमें कंक्लूजन बताऊंगा और साथ ही साथ ये बताता हुआ चलूँगा कि 1 घंटे में, 15 मिनट में और आधे घंटे के अंदर और फुल चार्ज होने में कितना टाइम लिया है इस डिवाइस ने। क्योंकि इसके अंदर 30 वोल्ट का चार्जर आता है जो कि एक बहुत बड़ा एक ब्रेक साबित होता है कोई भी मोबाइल जब परचेज़ करने जा रहा है। और अगर आप नया मोबाइल खरीदने जा रहे हैं रियलमी एक्स टू का ही, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में या फिर जो खरीदने जा रहे हैं उसको ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उसको एक बढ़िया आइडिया मिल पाएगा कि अगर वो 30 वोल्ट के चार्जर को देखकर लेता है तो उसको कितना मिलता है परफॉर्मेंस। यहाँ पर दोस्तों मैंने भी जो वीडियो स्टार्ट की है 3:44 पर मैंने इसको वीडियो स्टार्ट करी है 3:44 पे, मतलब अभी हम चेक करेंगे इसका जो परफॉर्मेंस 10 मिनट के बाद, फिर 20 मिनट के बाद, सॉरी 15 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद, फिर 30 मिनट्स के बाद एंड देन 1 आवर के बाद। अभी दोस्तों हम चेक करेंगे इसको स्विच ऑफ ऑन करके, क्योंकि बहुत सारे लोग स्विच ऑफ करके चार्जिंग नहीं करते हैं। और यहाँ पर अभी मैं दिखाता हूँ इसके अंदर 4% की चार्जिंग हो गई है आफ्टर 2 मिनट। अभी दोस्तों एम्पियर एप्लीकेशन ऑन कर लेते हैं। एम्पियर एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया एप्लीकेशन है। अगर आपको बैटरी मेजरमेंट करना है, बैटरी परफॉर्मेंस देखना है, 30 वोल्ट के चार्जर से नॉर्मली 3000 एम्पियर से ज़्यादा यहाँ पर आपको जो देखने को मिलता है हमेशा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 38.4 सेल्सियस बैटरी टेम्परेचर है स्टार्टिंग में। और मेरे घर में इस रूम में कोई भी एसी या फिर पंखा नहीं चल रहा है ताकि आपको एक बढ़िया आइडिया मिल पाए जो आइडियल कंडीशन तक ये पहुँचना चाहे, डिवाइस पहुँच जाए 30 वोल्ट के चार्जर से। अभी दोस्तों हम वीडियो में थोड़ा बोलना कम करता हूँ क्योंकि अगर मैं बोलता रहूँगा तो आप वीडियो का मज़ा नहीं ले पाएंगे। और अभी मैं म्यूज़िक लगा देता हूँ ताकि आप थोड़ा सा इसको फास्ट फॉरवर्ड भी कर देते हैं। अभी आप देख रहे हैं 8x पे ये फॉरवर्ड हो रहा है, ठीक है। तो गाइस 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ पर मैंने 3:44 पे स्टार्ट किया था इसको और 3:54 पे, मतलब 10 मिनट के बाद इसने 17% की बैटरी गेन की है। और यहाँ पर आप टेम्परेचर भी देख सकते हैं जो कि मैंने देखा नहीं है इसलिए मैं बता नहीं पाऊँगा। और यहाँ पर अभी हम इसको अगेन फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, सारा जो है बैकग्राउंड का वो भी डिलीट कर दिया हमने, ठीक है। अभी दोस्तों 3:59 हो चुका है और हमारे 15 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। 15 मिनट में देखिए दोस्तों 25% की चार्जिंग हुई है। इस हिसाब से हमारा जो कैलकुलेशन करेंगे और यहाँ पर बैटरी जो चार्जिंग है, सॉरी टेम्परेचर जो है 41 सेल्सियस हुआ है। और जो अगर 15 मिनट में 25 हुआ है तो यकीन से हम कह सकते हैं कि 15 मिनट का दुगना 30 आधा घंटा और 25 का गुना 50 एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। चलिए देखते हैं रिजल्ट क्या होता है, क्या बैटरी स्लो चार्जिंग हो जाएगी 40% के बाद या फिर तेज़ हो जाएगी, देखते हैं। क्योंकि जो रियलमी का X2 30 वोल्ट का चार्जर है वो तो आधे घंटे में 65% की प्रॉमिस करता है और 20 मिनट के बाद अभी दोस्तों देखिए यहाँ पर 34% की गेन हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा सही है। और अभी हम अगेन फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, अभी भी हमें जो एम्पियर देखने को मिल रहा है 3000+ ही देखने मिल रहा है। कभी 3200 mA, कभी हमें मिलता है इसी का 3400। दोस्तों जो टाइम है देख लीजिए, अब 4:14 हो चुका है, मतलब कि 30 मिनट पूरा हो चुका है। और 30 मिनट में जो इसने चार्जिंग गेन की है 50% है और टेम्परेचर जो राइज हुआ है दोस्तों 6% का, 6 सेल्सियस
टेम्परेचर भी राइज हुआ है। और यहाँ पर जो स्टार्टिंग था वो 38 था और अभी 50% चार्ज होने के बाद इसने 44 पे ये आ चुका है। देखते हैं मैक्सिमम इसका कितना टेम्परेचर राइज होता है, और मिनिमम तो 38 ही था, क्या उससे भी कम हो सकता है, देखते हैं इस वीडियो में। और अभी दोस्तों मैंने इसको बहुत ज़्यादा फास्ट एंड फॉरवर्ड कर दिया था, बीच में वीडियो कट भी की है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे पास इतना स्टोरेज ही नहीं था कि मैं सारी वीडियो रिकॉर्ड करूँ। बट मैं यहाँ पर खड़ा था, मैं कंटिन्यूसली देख रहा था, और यहाँ पर अगेन मैंने 3:44 पे स्टार्ट किया था और 4:45 हो चुका है। और यहाँ पर देखते हैं कि एक घंटा, पूरा एक घंटे के बाद कितना परसेंट चार्ज हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए इसका भी जो टेम्परेचर है डाउन हो चुका है, यहाँ पर 39 डिग्री हो चुका है ये सेल्सियस, और अभी जो है एक घंटे में 90% की चार्जिंग गेन हुई है। और अभी देख सकते हैं आप जो यहाँ पर 30 वोल्ट का जो पहले 3000 से प्लस जा रहा था मिलियम्पियर, अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 1000 के अंदर आ चुका है। अभी ये दोस्तों ये 90% पे इतना है, 95% पे 500 पे आ जाएगा, आप देखते रहिएगा। और यहाँ पर दोस्तों अगेन अभी आप देख सकते हैं 10 मिनट के बाद ये जो हुआ है, अभी ये 4% की गेनिंग हुई है, 94% आ चुका है अभी एक घंटा 10 मिनट के बाद, और 94.6 आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने टाइम स्टैम्प लगाया है। और यहाँ पर 1000 से मिलियम पर कम होते होते अभी ये 700 पे आ चुका है, मैक्सिमम ये 700-800 के अंदर ही रहने वाला है। और एक घंटे के बाद, एक घंटा 10 मिनट हो चुका है, अभी हम नेक्स्ट टाइम स्टैम्प का वेट करते हैं। और यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो को पूरा शूट करने में जो टाइम लगा है वो काफ़ी ज़्यादा था, मतलब मैंने ए टू जेड जितना भी टाइम था मैं इसके आसपास ही था मोबाइल के, और मोबाइल के बाद इसको एडिट करना और वॉइस ओवर करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। और यहाँ पर दोस्तों एक घंटा आई थिंक 15 मिनट हो चुका है, और यहाँ पर सिर्फ 5 मिनट में सिर्फ 1% की बैटरी गेनिंग हुई है, और हमारा जो टेम्परेचर है दोस्तों बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, 37% हो चुका है। जब हमने इसको स्टार्ट किया था शुरुआत में तो ये 38 सेल्सियस था, तो मतलब अभी ये बिल्कुल इनिशियल कंडीशन पे आ चुका है, आइडियल कंडीशन है इसका, बहुत ही ज़्यादा कूल हो चुका है डिवाइस आफ्टर 90% के बाद, क्योंकि उसमें हमारे बहुत ही ज़्यादा जो है बैटरी चार्जिंग स्लो हो जाती है, क्योंकि यही इसका एल्गोरिदम भी है। तो गाइज़ मैं बता रहा था इसको जो वीडियो बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, अप्रोक्स टोटली 2.5 घंटा लग गया, और एडिट करने में और भी ज़्यादा टाइम लग गया, 1.5 आवर हो चुका है। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं 99 पे ये अटक चुका है, और यहाँ पर जो इसको पूरा चार्जिंग होने में टाइम लगने वाला है मैं आपको बताऊँगा इसमें। उससे पहले आपको बता दूँ कि जो अभी मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, वॉइस ओवर करने वीडियो मैंने 3 दिन पहले शूट किया था, बट वॉइस ओवर नहीं कर पा रहा था, बट मुझे टाइम बहुत नहीं मिल पा रहा था, इसी वजह यही रीज़न था नहीं कर पा रहा था, बट मुझे तो करना ही था, इसलिए वीडियो भी डिले हुई है। तो गाइस यहाँ पे अभी देखते हैं कि ये कितना परसेंट चार्ज लेता है। अभी दोस्तों अभी देख लीजिए 1 घंटा 34 मिनट हो चुका है, मतलब 4 मिनट के बाद यहाँ पर 1% चार्जिंग हुई है, तो 1 घंटा 34 मिनट में इसने फुल चार्ज कर दिया है। अब दोस्तों वीडियो ख़त्म हो चुकी है, बट मेरा कंक्लूजन शुरू होता है, यहाँ पर आपके बहुत सारे सवालों के जवाब देने वाला हूँ, जो भी कन्फ्यूज़न होगा वो भी दे दूंगा इसी कंक्लूजन में। देखिए दोस्तों मुझे ऐसा लगता है इस अपडेट के बाद, C.11 के बाद जो रियलमी X2 की चार्जिंग टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हुई है, क्योंकि आपने जैसे देखा इस वीडियो में कि 15 मिनट में इसने 25% चार्ज किया, और आधे घंटे में इसने 50% चार्ज किया, और इसने नेक्स्ट आधे घंटे में इसने 40% की गेनिंग की है। वहीं अगर मैं इसके पहले वाले अपडेट्स की बात करूँ तो ये क्या करता था कि एक घंटे के अंदर 60 या 70 के आसपास ही अटक जाता था, जो कि बहुत मतलब अनस्टेबल था। अभी दोस्तों देखिए अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इससे और ज़्यादा चार्जिंग क्या तेज़ हो जाएगी, तो भाई देखो जब मोबाइल नया नया लॉन्च होता है तो कंपनीज़ उसमें एक गिमिक तैयार करने के लिए या फिर उसको ज़्यादा सेल करने के लिए यहाँ पर उसमें जो मैक्सिमम लिमिट्स होती हैं वो खोल के देती हैं, बट वो कुछ ही दिनों के लिए होता है, क्योंकि अगर वो खोल के दे देंगी तो हमारा जो मोबाइल है वो ज़्यादा जल्दी ख़राब हो सकता है, और अगर हमारे डिवाइस में उसको सहन करने की क्षमता नहीं है तो कंपनी को ये पता है कि ये सहन कर सकता है डिवाइस या नहीं कर सकता है, तो वो शुरुआत के महीनों के लिए देते हैं और बाद में उसको छीन लेते हैं, मतलब ले लेते हैं या कम कर देते हैं। तो इसके साथ भी यही हुआ है। तो रियलमी X2 के 30 वोल्ट की चार्जिंग के हिसाब से जब कंपनी वालों ने इसको लॉन्च किया था तो वे बोलते थे 65%+ चार्ज हो जाएगा आधे घंटे के अंदर, बट अभी जो है दोस्तों देख सकते हैं कि ये जो है आधे घंटे में 50+ क्रॉस कर पा रहा है बहुत मुश्किल से, तो आधे घंटे में अभी ये 50+ ही रहने वाला है। इसे और कम हो जाए मैं कुछ कह नहीं सकता, बट तेज़ होने की
कोई भी संभावना मुझे फ्यूचर में नज़र नहीं आती है, क्योंकि जो भी कंपनीज़ होती हैं वन प्लस कंपनीज़ भी आप देखिएगा उनके बहुत सारे डिवाइस सिर्फ एक साल या छः महीने तक ही बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करने वाले हैं चार्जिंग के मामले में, फिर कुछ ना कुछ परसेंटेज उसमें डिक्रीज़ होने लग जाता है, क्योंकि कंपनीज़ अपडेट के थ्रू उनमें जो है करने लग जाती हैं जो भी उसमें काम मसाला करने लग जाते हैं, ताकि जो नए डिवाइस आएंगे वो भी तो सेल होना है, क्योंकि परफॉर्मेंस जब तक डिक्रीज़ नहीं होगी तो नया डिवाइस क्यों नहीं सेल होगा। ठीक है, कुछ ऐसा ही उनका लफड़ा चलता है। तो आई होप आपके कुछ सवालों के जो जवाब है मिल गए होंगे, फिर भी कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसने जो ऐसा मेरी पर्सनल रिव्यू है तो मैं बिल्कुल उसको बोलता हूँ कि ये जो डिवाइस है बिल्कुल अच्छे से परफॉर्म कर रहा है चार्जिंग के मामले में, और जो भी कोई और रिव्यू होगा तो उसमें बताऊँगा कि इसकी परफॉर्मेंस क्या। तो गाइस अभी भी अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलता हूँ जल्दी से। तो मैं ख्याल रखना, लोग जय हिंद और वंदे मातरम।